सब यहाँ पर कृष्ण कथा के लिए कृष्ण प्रेम के लिए, लेकिन ये कृष्ण कथा से भी ज़्यादा गुरु कथा, गुरु दर्शन के प्रति उत्सुकता बढ़ जाती है। ये क्या रास्ता है? ये लोग सब कृष्ण कथा के लिए आए हैं, कृष्ण प्रेम के लिए, लेकिन कृष्ण कथा के बजाय गुरु जी के प्रति सबका गुरु कथा में भी लोग उत्साह बढ़ रहे हैं। कारण क्या है, रास्ते के क्या है? इन लोगों से पूछिए, हमसे जो कीर्तन में नहीं गए, यहाँ रह गए, उन लोगों से क्यों नहीं गए? अब बताओ, महाराज जी पूछ रहे हैं क्यों नहीं गए कीर्तन पे, महाराज जी के पास क्यों रुके, बताओ। गुरु प्रेम की वजह आए, तो कृष्ण प्रेम के लिए हो, कृष्ण कथा के लिए कीर्तन में क्यों नहीं गए, यहाँ रहते हो गए? लेकिन मेरा तो प्रश्न है, गुरु कथा की तरफ आकर्षण ज्यादा हो जाता है। ठीक है, अभी ऐसा ही करके कृष्ण के शरण
बिना गुरु भक्ति के, बिना गुरु की विश्रम सेवा से कोई भक्ति में बढ़ नहीं सकता, क्योंकि गुरु गुरु भक्ति देता है कृष्ण के चरणों में। इसलिए देने वाले को पहले नमस्कार करके, प्रणाम करके, सेवा करके तब कृष्ण की होनी चाहिए। ऐसा जो करता है विधिवत, उसकी भक्ति बढ़ती है और नहीं तो भक्ति नहीं बढ़ती। सातवीं प्रमाण है, प्रथमं तु गुरुं पूज्य ततश्चैव ममार्चनं तदेषा भगवद् भक्ति यन्नथा निष्फलो भवेत्। पहले कोई भक्त आया भगवान के भजन करने के लिए, भगवान ने पूछा बेटा तुम अपने गुरु जी की पूजा की, उनसे अनुमति ली, पहले अपने गुरु जी की पूजा करो, उनकी सेवा करो, उनसे अनुमति लेकर के तब मेरी पूजा करो, सेवा करो, ऐसे करोगे तो भक्ति होगी और नहीं तो सब बेकार हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले गुरु भक्ति की सब बात शास्त्र में कही गई है। महाराज जी, ये तो विधि बताई, शास्त्र प्रमाण दिया, पर ये सब तो कोई जानता नहीं है क्या प्रमाण है क्या विधि है, पर स्वाभाविक रूप से सब फिर भी कृष्ण कथा के लिए आने पर भी गुरु की तरफ ही आकर्षित हो जाते हैं, बिना शास्त्र विचार जाने, बिना विधि जाने। भक्ति गुरु को सामने देखते हैं, भगवान को अभी सामने नहीं देखते, इसलिए भगवान की सेवा क्या करेंगे। इसीलिए गुरु की सेवा जथा योग्य, महिलाओं के लिए अलग, पुरुषों के लिए अलग, ये विधियां बनी हुई है। मूल है भक्ति कृष्ण के चरणों में बढ़े, किंतु भक्ति की रीढ़ जानते हैं, ये पीछे जिससे हम खड़े हैं बैकबोन, वो गुरु है। इसलिए शास्त्रों में श्री गुरु चरण पद्म केवल केवल भक्ति शब्द, गुरु का चरण, गुरु के चरणों चरण जो हैं वही भक्ति के सिद्धि देने वाले हैं। उससे गुरु के चरणों में जिसकी भक्ति होती है उसको सर्वार्थ सिद्धि हो जाती है। गुरु के चरणों में भक्ति नहीं है, भक्ति नहीं है। और कोई प्रश्न पूछो उधर से, बोलो महाराज जी, तुम बोलो कोई प्रश्न। ये लड़का कुछ बोलना चाहता है, बोलो। प्रभु महाराज, मैं जाना चाहता हूँ हरिनाम में रुचि कैसे बढ़ेगी, क्योंकि हम कई सालों से हरिनाम ले रहे हैं परंतु फिर भी किसी प्रकार की रुचि नहीं उत्पन्न हो पाती है। कई सालों से हरिनाम कर रहे हैं लेकिन रुचि नहीं बढ़ रही है, क्यों, कैसे बढ़ेगी? कुछ गड़बड़ी है। गुरु सेवा में, गुरु के मुख से हरि कथा सुनने में कुछ गड़बड़ी होने से ऐसा होता। समझा? गुरु में भी गड़बड़ी हो सकती है अगर रुचि नहीं आ रही हरि नाम में। हरि नाम में रुचि नहीं आ रही है तो गुरु जी में कोई गड़बड़ी हो सकती है? नहीं, यदि गुरु जी है तो फिर गड़बड़ी का कोई प्रश्न नहीं है। और यदि
नहीं, गुण जो धारण करने के समय में गुरु को नहीं पहचान करके जैसे तैसे आदमियों को गुरु बना लिया तो भक्ति उसमें बात। इसीलिए तो हरिनाम में रुचि नहीं होगी, इसीलिए तो रुचि नहीं होगी हरिनाम में। रुचि नहीं है तो हरिनाम किस लिए करते हैं, हमारे पास में किस लिए है? जरूर कुछ न कुछ रुचि है, बिना रुचि का तो कोई काम ही नहीं है। महाराज जी, गुरु सेवा क्या है? गुरु सेवा क्या है? गुरु सेवा क्या है? गुरु सेवा क्या है? तुम अपने पुत्र की जो सेवा करती है वो क्या है बतलाओ? पुत्र प्रेम। माताएं अपने पुत्र को प्यार करती हैं, स्नेह करती हैं, खिलाती हैं, पिलाती हैं, सब कुछ करती हैं। उसी प्रकार योग्यता के अनुसार सेवा करती। जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन का लक्ष्य कृष्ण भक्ति है। बिना कृष्ण भक्ति के कोई जगत में सुखी नहीं रह सकता, इसलिए लक्ष्य भक्ति होना चाहिए। गुरु इस चीज को देता है इसलिए आप लोग चले कीर्तन में। महाराज जी, परिवार में भक्ति अनुकूल ना हो वो क्या करे? मन को वैसे भक्ति अनुकूल, वो उसका भक्ति में मन लग रहा है। महाराज जी एक प्रश्न है, परिवार के लोग भक्ति नहीं करने तो क्या करें? किसी की इच्छा है भक्ति करने की, परिवार करेगा, सिर तोड़ेगा, क्या करेगा? जब नहीं करते हैं तो नहीं करते हैं सभी लोग, तुम क्या कर सकते हो? तुम्हें मर डालोगे या क्या करोगे? नहीं करते हैं छोड़ दो, जबरदस्ती मत करने जाओ। उनको बाधा देता है, उनको बाधा देते हैं सब लोग। अब आप लोग कीर्तन में जाइए। गुरुजी एक प्रश्न है, गुरुजी आप एक महाराज जी हरिनाम करते हुए मन को कैसे कंट्रोल किया जाए? हरिनाम करते हुए मन को कैसे कंट्रोल करें? मन उधर भागता है। नाम क्या चीज है पहले समझो। नाम स्वयं भगवान है। जब देखते हैं कि आदर पूर्वक ये नाम कर रहा है, अपने आप सब चीजें कंट्रोल हो जाएगी, वो नाम ही कर देगा। नाम और नामी अभिन्न है। जो कृष्ण कर सकते हैं वो नाम कर सकता है, नाम कुछ अधिक करता है। हरे कृष्ण। महाराज जी गुरुदेव ने भी बताया कि पुरुषों के लिए अलग और स्त्रियों के लिए अलग कुछ नियम है, इसके लिए मैं कुछ शास्त्र प्राप्त स्त्रियों के नियमों में बताइए। आपने बताया कि पुरुषों के लिए गुरु सेवा एक प्रकार है, महिला के लिए दूसरे प्रकार से है, तो महिला के क्या पात्र समझा दीजिए। लड़का गुरु के सोने पर उनका पैर दबा करके और सब काम कर सकता है, महिलाओं के लिए ये निषेध है, समझी? ऐसे ही बहुत सी बातें हैं जो पुरुषों के लिए सहज है, महिलाओं के लिए जरा कठिन है। श्रद्धा में कमी नहीं है, पुरुषों को जितनी श्रद्धा है महिलाओं को भी वही श्रद्धा है,
विशेष करके पिता अपनी बेटियों को अधिक प्यार करता है, बेटों को पीछे। हम तो देखते हैं माया दशरथ अपने बेटी शांता को अपने पित्र को दे दिया और रामचंद्र जी प्यार करते थे, इसमें तो विपरीत दिखता है। इसीलिए तो विवाह करके पति के पास में दे दिया, पहले तो दान दे दिया था दूसरे छोटे में होने से। आपने माता को चली और आज नहीं बोले नाम में निरंतरता कैसे, नाम और भाष में निरंतरता। दोबारा आपके कल फिर अगले दिन आगे है गुरु जी करके जय बोलो गुरु महाराज की जय, चलते की जय, बोलो श्री गुरुदेव की जय। ले भाई प्रभु आप लोग की पकड़ जय गुरु हरे कृष्ण। गुरुदेव के आसपास भीड़ मत लगाइए प्लीज।
सब हरिनाम संकीर्तन के लिए चलिए, आप सब लोग हरिनाम संकीर्तन आ जाइए। हरे कृष्णा, सब पार्क में चलिए हरिनाम संकीर्तन के लिए। अनीता, हरे कृष्णा, सब चलिए हरिनाम संकीर्तन के लिए। क्यों नहीं हुआ? साइड हो जा सब लोग, सुशांत जी थोड़ा साइड करो, मेरे सब साइड एकदम साइड, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, हो गया हो गया हो गया, चलो ये ना करें। सब हरिनाम संकीर्तन के लिए चलिए मेरा, बैठ जाओ सर। सतगुरु महाराज की जय।